कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने हरियाणा के राज्यपाल निवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया और कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। कुमारी सेलजा ने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार इन तीन कृषि कानूनों को वापस ले। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सेलजा से। तीन कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, इनसे जानते हैं कि आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जी ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया नहीं है, आगे के लिए एक उन्होंने रास्ता दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन कायदे से ये सारे काम सरकार के हैं। सरकार आप देखते हैं कि बार बार दिखावा करती है, आज फिर किसानों को बुला रखा है और किसान हर बार जाते हैं इस उम्मीद से कि शायद ये सरकार कुछ उनके सामने रखे। इस सरकार को पहले ही ये तीनों कानून रद्द करना चाहिए और फिर किसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन ये इस बात पर आते नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों के साथ बातचीत नहीं की गई, पहले बातचीत करते तो शायद कुछ और बात बनती, लेकिन ये सरकार किसी के साथ संवाद करने में विश्वास नहीं रखती है। कोरोना के समय में ये तीन अध्यादेश लेकर आए, फिर उसके बाद आपने देखा, दुनिया ने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरह से इन्होंने तीनों बिल वहां पर निकाले और विपक्ष को बोलने नहीं दिया, डिवीजन वोटिंग होने नहीं दी, कमेटी को भेजा नहीं गया, कोई चर्चा नहीं, कानून बना दिए। अब सारा देश उत्तेजित है, किसान मजदूर उत्तेजित है। इतने शांतिपूर्ण ढंग से हमारे देश का किसान और मजदूर अपना रोष व्यक्त कर रहा है, लेकिन अब जैसे सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है पिक्चर में, जो कमेटी बनी है उसके बारे में अब हम क्या टिप्पणी करें, उनमें से एक सुना है एक सदस्य ने शायद रिजाइन भी कर दिया है, तो आगे उसका क्या नतीजा होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन कांग्रेस पार्टी का राहुल जी के नेतृत्व में जो स्टैंड रहा है कि हम तीनों इन काले कानूनों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, हम किसान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और उसी में उसी के तहत आज हम पूरे देश में जहां जहां राजभवन है उस प्रदेश की कांग्रेस राजभवन का घेराव कर रही है। हम हरियाणा के राज्यपाल का जो जहां पर राजभवन है चंडीगढ़ में, हरियाणा कांग्रेस उसका घेराव करेगी। मैडम, इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने उसके इस्तीफे में जो वर्डिंग लिखी है उस पर सवाल उठाए हैं, और अभय चौटाला ने यह भी मांग की है कि कांग्रेस के विधायक भी इस्तीफा दें। देखिए, उनकी एक अपनी पार्टी है, वो अपने हिसाब से अपना फैसला लेते हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी रणनीति अपनी है, तो वो जिस तरह से अपना इस्तीफा दें, क्या उसका एक ढंग होना चाहिए, वो तो वो जाने और वो पहचाने, वो जानते हैं, अनुभवी हैं, अपनी पार्टी है उनकी अपनी, तो वो जैसे करें वो अलग कहानी है, इस्तीफा कैसे दिया जाता है वो अलग कहानी है, कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है और हमारी रणनीति यही है। आपने देखा राहुल जी ने भी जो कहा है कि भाई हम सभी लोग मिलकर इसका पूरे देश भर में विरोध करते रहेंगे। मैडम, जिस तरह किसान और सरकार के बीच में गतिरोध बना हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो आदेश दिए हैं उसके बाद भी किसान डटे हुए हैं, तो ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? आप तो केंद्र में मंत्री भी रहे हो। देखिए, गतिरोध तो तभी खत्म होता है जब सरकार का मन साफ हो। अब सरकार का मन है अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ, सरकार का मन अन्नदाता के साथ, हमारे किसान मजदूर के साथ बिल्कुल नहीं है, वरना ये स्थिति ना आती कि जो सड़क पर हो रहा है, लाखों किसान ठंड में बेचारे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, वो स्थिति नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं आना होता। अगर ये सरकार संवेदनशील होती और किसान के दर्द को समझती तो ये स्थिति ही पैदा नहीं होने देनी चाहिए थी। ये सरकार के पास बिल्कुल दिल है नहीं और गरीब आदमी के दर्द को ये समझते नहीं है, पूंजीपतियों का मुनाफे का ही ये सोचते हैं। मैडम, अब नटसल कांग्रेस की क्या मांग है तीन कृषि कानूनों को लेकर? हमारी मांग ये है कि तीनों कानून निरस्त होने चाहिए, तुरंत प्रभाव से इनको खत्म कीजिए और फिर आगे बढ़िए, किसानों को
अपने घर वापस जाने दीजिए, अन्नदाता को अपने खेत खलिहान में मेहनत करने दीजिए और उसको आगे कैसे बढ़ाएं ये सोचें, ना कि पूंजीपतियों को कैसे बढ़ाएं। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा। आज इन्होंने बताया कि कांग्रेस 3 कृषि कानूनों को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है। वहीं इन्होंने बताया कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।